फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है गार्लिक ब्रेड, वो भी नए अलग ट्विस्ट में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 स्पून, फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी का और 1 स्पून नमक का। बटर बनाया हुआ है तो हम वो भी इसमें थोड़ा सा डालेंगे 1 स्पून। और अब हम अपनी डो को तैयार करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हम इनको बड़े हल्के हाथों से गूंदेंगे। अब हम इसमें, हमारा डो तैयार हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ऑयल और इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी गार्लिक ब्रेड की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें शिमला मिर्ची, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और डालेंगे थोड़े से प्याज, इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम तैयार करेंगे अपनी गार्लिक ब्रेड के लिए स्टफिंग। उसके लिए हमने लिया ये शिमला मिर्ची और प्याज, इनको हम थोड़ा सा बस मिला लेंगे और इनका कच्चापन दूर करेंगे। और इसमें हम डालेंगे अपनी मैगी और मैगी की हम इसमें स्टफिंग करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना नमक और डालेंगे हल्की सी मिर्ची और इनको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पानी, इसमें हम अपनी मैगी, क्योंकि हम इसमें मैगी की स्टफिंग डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना मैगी मसाला। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कॉर्न, ये फ्रोजन कॉर्न है। टाइम पे 20 मिनट हो चुके हैं तो हमारी डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पीस कर लेंगे। हमने जितनी ब्रेड बनानी है तो हम इसके 2 पीस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी डो रेडी हो चुकी है। तो अब हम आगे का स्टेप करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको ऐसे बेल लेना, तो थोड़ा सा हम इसको हाथों से भी सेट कर लेंगे। हम इस पे लगाएंगे अपनी पिज्जा टॉपिंग। तो हम इसको अच्छे से अपने पूरे बेस पे लगा लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे अपनी स्टफिंग, जो हमने मैगी वाली स्टफिंग बनाई है, हम इसमें वो डालेंगे। तो जी, अब हम इसमें डालेंगे अपना चीज। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में हमारे बच्चे आए हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना उनको कुछ अलग बना के खिलाया जाए। तो आप भी प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाएं। और इस पे हम लगाएंगे अपना गार्लिक बटर। तो इसमें हम डालेंगे ओरिगैनो। फ्रेंड्स, हम इस पे लगाएंगे छोटे छोटे कट। फ्रेंड्स, हम अपनी ब्रेड को इसमें रखने जा रहे हैं तो आप भी इसे बहुत गर्म है, ध्यान से रखिएगा। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं। चलिए देखते हैं हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी हुई है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रेडी हो चुकी है। देखिए, हमारी गार्लिक ब्रेड चीज वाली रेडी हो चुकी है, मैगी वाली। तो आप भी बनाएं और इसे एंजॉय करें। बाय।